वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब आप देखो कि जैसे हमने यहां पे इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई, ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेस कर गया, एक्स। मान लो ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर गया, एक्स। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। अभी देखो आपको क्वेश्चन आया कि आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और उस 10 न्यूटन की वजह से एक बॉडी 20 मीटर डिस्प्लेस हो गई, फाइंड द वर्क डन। तो आप करोगे 10 × 20, दैट इज 200 जूल। लेकिन आप सोचो कि अगर ये पूरे 10 मीटर के लिए ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये कॉन्स्टेंट ही ना हो, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू ना हो, ये बार बार बदल रही हो, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर है लेकिन फोर्स की तो आपको कोई वैल्यू नहीं पता क्योंकि वो तो बार बार बदल रही है। लेकिन ऑब्वियसली वर्क तो तब भी हुआ है ना, तो हम कैसे निकालें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मान लो अब यहां पे काम आएगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो आपको आप रट्टे मारोगे फिर इस टॉपिक के, तो मैं फिर बता रहा हूं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स आपको बिल्कुल क्लियर रखना होगा ताकि आपको पूरा फिजिक्स समझ में आए, ठीक। तो क्या क्या है सिचुएशन, मान लो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी दो तरीके का हो सकता है कि एक तो फोर्स ऐसे वेरी कर रही है कि पता ही नहीं है, बिल्कुल रैंडमली टेढ़ी मेढ़ी, कभी कम कभी ज्यादा। अब ऐसे केस में तो वर्क नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमें, अगर देखो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो हमें उसकी वैल्यू पता होगी, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमारी कंडीशन यह है कि हमें वैल्यू तो नहीं पता होगी क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, लेकिन हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए और वो फंक्शन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। क्यों होना चाहिए अभी पता चलेगा। तो मान लो यहां पे हमको फोर्स दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, है ना, कुछ इस तरीके से, समझ गए ना आप, जैसे ऐसे दिया हुआ है 3x² + 2x + 1, है ना, ये फोर्स दी हुई है, यानी कि ये फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही है x। अब यहां से आप चले x चेंज हो रहा है तो x यहां पे कुछ और है, मान लेते हैं ये x एक्सिस ही है, तभी तो हमने इसको x लिया हुआ, ये x एक्सिस है और ये रहा ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन रहा, ठीक है, और ये आपका है x एक्सिस और इस बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया है x पे, सपोज यहां से जो कि है x1 और यहां तक जो कि है x2। अगर बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं, अगर बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं उसके सेंटर से। तो हमने इसको x1 से x2 डिस्प्लेस करा, बट वेरिएबल फोर्स से करा। अब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रही है ना, x पे डिपेंड कर रही है, यहां x कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, तो कहीं पर भी अगर आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, जैसे आपको यहां निकालनी है फोर्स की वैल्यू क्या है और ये x की वैल्यू है 5, तो आप x को 5 पुट करो तो आपको फोर्स मिलेगी, है ना, इस तरीके से। ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो हमें निकालना है इसका वर्क डन व्हेन दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x1 टू x2, ठीक। तो ऐसी कोई फोर्स है, तो इसको fx हम लोग मान लेते हैं, और जो फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रही है हम ऐसा मान लें कि बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए, अब आगे ना इंटीग्रेशन का खेल, बहुत छोटे से डिस्टेंस dx के लिए तो इसे कांस्टेंट मान सकते हैं ना, डिस्टेंस के साथ बदल रही है, लेकिन कोई तो बहुत छोटा ऐसा डिस्टेंस होगा जिसके साथ ये नहीं बदलेगी, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। सो हम इतने से पार्ट के लिए वर्क निकालेंगे और उसको हम बोलेंगे dw क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, एंड दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मान लेते हैं ये जो हमने dx लिया है ये x डिस्टेंस पे लिया है, तो यहां पे जो फोर्स होगी वो fx होगी, तो इतने से पार्ट के लिए वर्क होगा fx into dx। तो टोटल वर्क जो होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है ना तो इतना मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स क्लियर करके चलो। सो दिस विल बी द वर्क डन, ये वाला इंटीग्रल हम लोग फाइंड करेंगे और हमें वर्क मिलेगा। अब क्योंकि यहां dx आएगा तो ऑब्वियसली ये जो है x का फंक्शन होना चाहिए तभी तो इंटीग्रेट होगा, यहां dx लिखा है और फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है तो इंटीग्रेट होगा ही नहीं, फिर हमें और जुगाड़ करने पड़ेंगे कि मैं इस dx को dt में बदलूं, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आपको किस तरह का है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और यहां पे मतलब x का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और यहां पे dx लिखा है, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे x1 से x2 लिमिट्स लगा के एंड यू विल गेट द आंसर। कैसे, देखो यहां पे दिया हुआ है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स 3x² + 1 न्यूटन। 3x² + 1 न्यूटन हमने लगाया, x जो है मीटर्स में है। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x = 1 मीटर टू x = 4 मीटर, कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर दिया, 1 से 4 तक। तो हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है
3x2+1 ये हो गया हमारा dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे स्कूल में तो आप ये लिखोगे कि स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू dx, स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू dx इज dw, दैट इज f इंटू dx, ठीक। देयरफोर टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस the body from x = 1 meter to x = 4 meter is total work done, w is integral 1 to 4 3x² + 1 into dx। तो w हो गया, आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना आता है आपको, सिंपली क्या करना है, वेरिएबल को टच नहीं करना है, एक्स की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दो, यानी एक्स की पावर एन है तो ये हो जाएगा x^(n+1)/(n+1)+1, 1 में एक्स की पावर क्या है 0, तो 1 में एक्स की पावर 0 है तो x^(0+1)/1, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक्स बचेगा, और फिर लिमिट लगा दो, कहां से कहां है आपकी लिमिट 1 से 4, तो ये 3 से 3 कटा, तो आपका फंक्शन जो है वो है x³+x लिमिट 1 से 4। पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है पूरे फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट पुट करी जाती है 1+1। सो आपका ये आंसर हो गया 4³ = 64+4 = 68 - 2 = 66 जूल। हमें पता है ये जूल में आएगा आंसर, बिकॉज डिस्टेंस मीटर में है एसआई यूनिट और फोर्स न्यूटन में है, एन लिखा हुआ एसआई यूनिट, तो अगर डिस्टेंस और फोर्स जो है वो आपका एसआई यूनिट्स में है तो वर्क भी क्या आएगा, एसआई यूनिट्स में आएगा।